हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डीडी सिंह है और आज की इस वीडियो में मैं कुछ जावा के स्मॉल क्वेश्चंस पूछूंगा। इनफैक्ट इसके अंदर हम दो तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है और एक में हमें सिंपल आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट सिंपल स्पेसिफाई करूंगा और उसमें आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो चलिए, मैं आपको पहला क्वेश्चन इसमें बताने जा रहा हूं। जैसे एन एक्ट ऑफ यूजिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग दी बैकग्राउंड डिटेल्स इज कॉल्ड। ये जो मैंने यहां पे तो खैर आंसर ही लिख रखा है, बट ये जगह आपके लिए ब्लैंक आएगी। मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, इसमें बस आपको ये वर्ड याद रखना है, एसेंशियल फीचर्स, जिनको हम विजुलाइज करा रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। तो यहां पर हमें आंसर क्या देना होगा? एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा क्वेश्चन, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द स्ट्रेस इज गिवन ऑन डेटा। यानी कि आपको, अगर आपने ये चैप्टर प्रॉपर पढ़ा हुआ है आईसीएसई की बुक में, तो आपको ये पता होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा जो स्ट्रेस रहता है वो डेटा की सिक्योरिटी पर रहता है। यहां पर इसलिए आंसर क्या दे रखा है? डेटा। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करूं तो वहां पर हमारा जो स्ट्रेस है वह बेसिकली फंक्शंस के ऊपर होता है। किसके ऊपर होगा? फंक्शंस के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन, रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। अब जैसे हमने बोला रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन, तो आप समझ लीजिए द आंसर इज व्हाट? इनकैप्सुलेशन। चौथा क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, एन। अब देखिए, एन के बाद जस्ट ये एक ब्लैंक स्पेस होगा। एन स्पेस हैज यूनिक आइडेंटिटी थ्रू विच इट मे डिफर विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट? बिहेवियर। मैं आपको, जैसे यहां पर एक टर्म है ना, यूनिक आइडेंटिटी। सो हर ऑब्जेक्ट यूनिक होता है। हर ऑब्जेक्ट कैसा होता होगा? यूनिक। जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखिए, जितने भी इस वर्ल्ड में जितने भी इंसान होते हैं वो सारे यूनिक होते हैं। या तो आप उन्हें स्टेट के बाहर डिफ्रेंशिएट करते होंगे या फिर उनके बिहेवियर से। हर किसी का कोई चेसिस नंबर नहीं है, बट हर इंसान अलग अलग होता है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? ऑब्जेक्ट का। तो एवरी ऑब्जेक्ट यूनिक, एवरी ऑब्जेक्ट इज व्हाट? यूनिक। अगला क्वेश्चन, The objects may communicate with each other through what? Functions. एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से जो कम्युनिकेशन करता है वो वाया फंक्शंस करता है। वन ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विद द अनदर ऑब्जेक्ट वाया व्हाट? फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पीओपी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द ग्लोबल डेटा इज लूजली अटैच्ड टू द व्हाट? फंक्शंस। फंक्शंस मैं आप जानते होंगे दो तरीके का डेटा होता है, वन इज द लोकल डेटा और सेकंड वन इज द ग्लोबल डेटा। जब कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर है तो वो लोकल वेरिएबल हो गया, उसी में तो हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। अगर कोई वेरिएबल फंक्शन के बाहर है तो वो ग्लोबल वेरिएबल और उसमें जो डेटा होगा विच इज नोन एज व्हाट? ग्लोबल डेटा। सो जो ग्लोबल डेटा है वो लूजली अटैच्ड। क्यों टर्म यूज कर रहे हैं हम लूजली अटैच्ड? क्योंकि उस डेटा को कई सारे फंक्शंस क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच अ क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर क्लास। जब कभी कोई एक क्लास किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को, फीचर्स को अगर एक्वायर कर ले तो ऐसे प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे कैलकुलेटर की प्रॉपर्टी को साइंटिफिक कैलकुलेटर में यूज किया गया, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के फीचर्स को, प्रॉपर्टीज को कलर टीवी में यूज किया गया। सो ये एग्जाम्पल है किसके? इनहेरिटेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग अ फंक्शन फॉर मेनी पर्पसेस इज टर्म्ड एज व्हाट? पॉलिमोरफिजम। ये बात मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं। जब काम एक हो और उसे करने के तरीके अलग अलग हो when one task is performed by the different ways, that process is known as what? पॉलीमॉर्फिज्म। मैं यहां पर आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताऊंगा जावा में, जो प्रिंट एलन मेथड है ना, प्रिंट और प्रिंट एलन, वो बेस्ट एग्जांपल होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। हमें मेथड तो एक ही है वहां पे, बट आपने देखा होगा उसी प्रिंट और प्रिंट एलन से हम इंटीजर प्रिंट करा रहे हैं, कैरेक्टर प्रिंट करा रहे हैं, उससे हम किसी भी प्रकार की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। उसको बेसिकली अगर पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल होता है विच इज नोन एज द मेथड ओवरलोडिंग, या फिर आप उसे फंक्शन ओवरलोडिंग के नाम से भी जान सकते हैं। मेथड का जहां पर नाम सेम होता है और उसके क्या अलग होते होंगे, सिग्नेचर अलग होते हैं। ऐसे ही कुछ ट्रू और फॉल्स के भी क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो एक एक दो दो नंबर के आपके एग्जाम में होते होंगे। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है, अ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू विच अ क्लास एक्वायर दी करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम दी अनदर क्लास इज व्हाट? इनकैप्सुलेशन। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये डेफिनेशन जो है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो इनहेरिटेंस के लिए लिखा हुआ है, बट यहां पर हमने क्या दे दिया, इनकैप्सुलेशन। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या है, फॉल्स है। इसका जो सही एग्जाम्पल होता वो इनहेरिटेंस के लिए होता। दूसरा, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम स्ट्रेस ऑन व्हाट? फंक्शंस। और यहां पर क्या दे रखा है, डेटा। ये भी फिर गलत था। यहां पर आइडियली क्या होना चाहिए था, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम स्ट्रेस ऑन फंक्शंस। अगर हमें डेटा ही समझना था तो यहां पे लिखना चाहिए था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम स्ट्रेस ऑन व्हाट? डेटा। तो यहां पर स्टेटमेंट जो दे रखा है वो गलत है, इसीलिए आंसर क्या आ रहा है उसका, फॉल्स। तीसरा क्वेश्चन, C++ इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक अप्रोच होती है, उसके कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, लाइक C++ है, जावा है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हो सकते हैं। C++, जावा, पाइथन, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ओप्स। सो ये स्टेटमेंट सही था, दैट इज वाई आई हैव गिवन द आंसर विच इज व्हाट? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नो, ये गलत स्टेटमेंट है। यहां पर होना चाहिए था अ क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर यहां पर क्या दे रखा है बेटा, फॉल्स। अगला स्टेटमेंट, इनकैप्सुलेशन कीप्स द डेटा सेफ फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस। यस, इनकैप्सुलेशन से हम डेटा और फंक्शंस को रैप करके रखते हैं, जिससे कि दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के डेटा को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। सो यहां पर सेफ वर्ड जो यूज किया गया है, इसकी वजह से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। सो आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बताए जिनका आंसर ट्रू और फॉल्स होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।